राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा वेल्डर संदाता का पेपर किया प्रिपरेशन कैसा होगा तो अभी तक राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो हम देखते हैं सी एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर और टॉपिक रहेगा एडवांस वेल्डिंग इस एडवांस वेल्डिंग के टॉपिक के अंदर मिग वेल्डिंग मैग वेल्डिंग सी वेल्डिंग टू वेल्डिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग फ्रिक्शन वेल्डिंग इस प्रकार की वेल्डिंग का समावेश होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक में हम देख देखने वाले हैं तो सीबीटी एग्ज़ाम वेल्डर के ट्रेड में थेरी पेपर में टोटल थर्टी टू क्वेश्चन आते हैं और थर्टी टू क्वेश्चन में छः क्वेश्चन ये इंजीनियरिंग ड्राइंग और छः क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ऊपर होते हैं तो ये टॉपिक है एडवांस वेल्डिंग इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे ये देखने वाले हैं तो ये देखते समय क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और ऑप्शन देख के सही आंसर हमें ढूंढना पड़ता है तो क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जे एम ए जे एम ए का फुल फॉर्म क्या है तो जी फॉर गैस एम फॉर मेटल ये फॉर आर्क और डब्ल्यू फॉर वेल्डिंग। मतलब जे एम ए यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है द ओनली डिफरेंस बिटवीन मीग एंड मैग वेल्डिंग वेरियंट इज मीग और मैग वेल्डिंग के वेल्डिंग वेरियंट में क्या फर्क होता है ऑप्शन ए वेल्डिंग पोजिशन ऑप्शन बी मेटल ट्रांसफ़र ऑप्शन सी टाइप ऑफ शिल्डिंग गैस यूज ऑप्शन डी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज तो मीग और मैग वेल्डिंग में वेल्डिंग वेरिएंट में ये शिल्डिंग गैस का फर्क होता है तो टाइप ऑफ शिल्डिंग गैस यूज मतलब किस प्रकार की गैस यूज करते हो व्हाट शुड बी द करेक्ट स्टेक आउट फॉर हंड्रेड टू वन फिफ्टी करंट सौ से डेढ़ सौ का करंट रहते समय स्टीक आउट कितना होना चाहिए तो आउट यानि क्या होता है मिग और मैग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड कितना बाहर रहना चाहिए ऑप्शन ये फाइव एम एम ऑप्शन बी टेन एम एम ऑप्शन सी ट्वेंटी एम एम ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव एम एम तो सौ से डेढ़ सौ एम पर करंट होते समय ट्वेंटी mm फाइव एम एम स्टेकआउट होना चाहिए ऑप्शन डी व्हाट इज एन ए डब्ल्यू एस क्लासिफिकेशन इन जी एम ए डब्ल्यू प्रोसेस सी एस वायर ए अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अनुसार जी एम ए डब्ल्यू क्लासीफिकेशन प्रोसेस में कास्ट कास्टिल वायर क्या होता है ऑप्शन ए ई सेवन ज़ीरो वन सिक्स ऑप्शन बी ई सेवन जीरो यस सिक्स ऑप्शन सी ई आर सेवन टी एस डैश सिक्स ऑप्शन डी ई सेवन वन टी वन तो ई डब्ल्यू एस काशी ये ई आर सेवन जीरो एस डैश सिक्स होता है ऑप्शन डी व्हाट डज़ द सेवन टी इन ई आर सेवन जीरो एस डैश सिक्स मीन्स ई आर सेवन जीरो एस सिक्स में सेवन टी का मीनिंग क्या होता है तो ऑप्शन ये है हार्डनेस ऑप्शन बी ट्रेडनेम ऑप्शन सी इल्ड स्ट्रेंथ ऑप्शन डी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ये सेवन जीरो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मतलब सेवेंटी थाउजेंड इसका रहेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ये सेवन जीरो ऑप्शन डी टेंसाइल स्ट्रेंथ ये इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मतलब जो भी इलेक्ट्रोड रहेगा वो इलेक्ट्रोड की ये ताकत होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑप्शन डी द लेटर यस इन द जे yes, एम ए डब्ल्यू इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन इंडिकेट जे एम ए डब्ल्यू इलेक्ट्रोड में ये जो क्लासिफिकेशन रहेगा उसमें लेटर यस yes, क्या दर्शाता है ऑप्शन ये शील्डेड ऑप्शन बी शील्डेड गैस ऑप्शन सी सॉलिड ऑप्शन डी स्ट्रांग तो ई आर सेवन जीरो एस सिक्स ये जो ऐसा लेटर रहेगा उसमें यस जो लेटर है वो सॉलिड दर्शाता है ऑप्शन सी इफ चेंज ए वायर साइज विच पार्ट विल चेंज वेल्डर इन जे एम ए डब्लू प्रोसेस जे एम ए डब्लू प्रोसेस में वेल्डर वायर साइज चेंज करने के लिए किस पार्ट को चेंज करेगा ऑप्शन ए शील्डिंग गैस एंड रेगुलेटर ऑप्शन बी ड्राइव रोलर एंड टिप, ऑप्शन सी गैस प्री हीटर एंड रेगुलेटर ऑप्शन डी फ्लोमीटर एंड गैस नोजल तो वायर साइज चेंज करने के लिए कौन सा पार्ट बदलेगा तो ये ड्राइव रोलर एंड कॉन्टेक्टिव बदलेगा मतलब ऑप्शन बी ड्राइव रोलर एंड कॉन्टैक्ट टीप ये पार्ट बदलना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज इन जे में वेल्डिंग जी मिग वेल्डिंग, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज इन मिग वेल्डिंग तो मिग वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है ऑप्शन ए नॉन कंज्यूमेबल ऑप्शन बी कंज्यूमेबल ऑप्शन सी प्लस कोर ऑप्शन डी आलाप दीज तो मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड ये यूज किया जाता है मिग वेल्डिंग में वो खर्चा होने वाला कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज फॉर एसएस मटेरियल इन जे एम ए डब्ल्यू जी एम ए में एसएस मटेरियल के लिए किस प्रकार का इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा जे एम ए डब्ल्यू में तो ऑप्शन ये फ्लक्स कोड ऑप्शन सी कॉपर कोटेड ऑप्शन बी बेयर मेटल ऑप्शन डी फ्लक्स कोटेड ये यानी स्टेनलेस स्टील तो स्टेनलेस स्टील का ही बेयर वायर बेयर मेट मटेरियल यूज किया जाएगा ऑप्शन बी बेयर मेटल तो बेयर मेटल ये यूज किया जाएगा ऑप्शन बी इन विच प्रोसेस सील्डिंग गैस इज इनर्ट एंड आर्क इज प्रोड्यूस बाय कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऐसे कौन से वेल्डिंग प्रोसेस में सील्डिंग गैस ये इनर्ट गैस होती है और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ये आर्क प्रोड्यूस करती है तो ये किस प्रोसेस में होगी जिसमें सिल्डिंग गैस ये इनर्ट गैस होगी और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क प्रोड्यूस करेगी ऑप्शन ये प्लाज्मा वेल्डिंग ऑप्शन बी मिग वेल्डिंग ऑप्शन सी स्पॉट वेल्डिंग ऑप्शन डी टीग वेल्डिंग तो प्लाज्मा वेल्डिंग मीग वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग टीग वेल्डिंग इसमें मीग वेल्डिंग या ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनर्ट गैस यूज किया जाता है और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क प्रोड्यूस करती है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्पाइरल इन जे एम ए डब्ल्यू टार्च जे एम ए डब्ल्यू टार्च में स्पाइरल का उद्देश्य क्या है ऑप्शन ए कंडक्ट करंट फार वेल्डिंग ऑप्शन बी वायर गाइड ऑप्शन सी प्रोवाइड गैस सप्लाई ऑप्शन डी नानबदिज तो स्पाइरल ये वायर गाइड का यूज करता है वायर को गाइड करने के लिए टार्च में स्पाइरल यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द जी एम ए डब्ल्यू इज फिलिम द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ प्रोसेस ये जे एम डब्ल्यू गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ये किस टाइप की प्रोसेस है ऑप्शन ये प्रेशर ऑप्शन बी फ्यूजन विथ प्रेशर ऑप्शन सी फ्यूजन ऑप्शन डी नॉन फ्यूजन तो ये जे एम ए वेल्डिंग प्रोसेस ये फ्यूजन वेल्डिंग टाइप प्रोसेस है तो ऑप्शन सी ये रहेगा फ्यूजन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ये फ्यूजन टाइप वेल्डिंग प्रोसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन इन जी प्रोसेस सील्डिंग गैस फ्लोरेट फिल्म द ब्लैंक्स ये एल पी एम प्रोसेस में सील्डिंग गैस का फ्लोरेट क्या होता है ऑप्शन ये एट टू ट्वेंटी लीटर पर मिनट ऑप्शन बी टू टू फाइव लीटर पर मिनट ऑप्शन सी फिफ्टीन टू थर्टी फाइव लीटर पर मिनट ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लीटर पर मिनट तो जे एम ए डब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में गैस सील्डिंग का फ्लो रेट ये आठ से बीस लीटर पर मिनट होना चाहिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आठ से बीस लीटर पर मिनट ये गैस फ्लो होना चाहिए CO2 कैन बी यूज इन वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील बिकॉज कार्बन स्टील के वेल्डिंग के लिए सी ओ टू गैस यूज किया जाता है अब सी ओ टू गैस क्यों यूज किया जाता है ऑप्शन ये इट इज़ एक्टिव ऑप्शन बी इट हेल्प्स इन मेल्टिंग एंड इलेक्ट्रोड ऑप्शन सी ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन स्टील इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन डी इट इज चीप तो ये कार्बन स्टील में सी ओ टू वेल्डिंग प्रोसेस यूज किया जाता है क्योंकि उसमें सी ओ टू गैस ये एक्टिव गैस होता है साथ में ही ये जो कार्बन स्टील का ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट है मतलब ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन स्टील इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल मेटल के मिल्टिंग पॉइंट के कम होता है कार्बन स्टील के इसलिए सीओ टू गैस यूज किया जाता है ऑप्शन सी देखो इसमें एक्टिव गैस भी है लेकिन ये ऑप्शन सी व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ निकेल प्लेटिंग ऑन कॉपर गैस नोजल जो कॉपर की गैस नोजल है उसमें निकल प्लेटिंग किया जाता है कारण क्या है ऑप्शन ये इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी ऑप्शन बी इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑप्शन सी इम्प्रूव अपियरेंस ऑप्शन डी टू रिड्यूस कॉस्ट तो कापर गैस नोजल को निकल की प्लेटिंग की जाती है ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए ऑप्शन ये इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी एमएस वायर इज कोटेड विथ वायर कापर बिकाज यम एस वायर को कापर का कोटिंग किया जाता है कारण क्या है ऑप्शन ए टू इम्प्रूव हीट कंडक्टिविटी ऑप्शन बी टू इम्प्रूव मेल्टिंग रेट ऑप्शन सी टू अवॉइड रस्टिंग अप वायर ऑप्शन डी नॉन ऑफ डीज तो कापर को यम एस वायर कोटेड किया जाता है उसे हम सी सी में सी सी एम एस वायर कहते हैं तो ये रस्टिंग का अवॉइड करने के लिए ऑप्शन सी टू अवॉइड रस्टिंग ऑफ वायर नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द टीग वेल्डिंग टार्च होल्ड्स द इलेक्ट्रोड टीग वेल्डिंग टार्च में इलेक्ट्रोड को कौन सा पार्ट होल्ड करता है ऑप्शन ए नोजल ऑप्शन बी कोलेट ऑप्शन सी बैक कैप ऑप्शन डी लीड तो ये वेल्डिंग टार्च टिक वेल्डिंग टार्च में कोलेड कोलेट ये पार्ट होल्ड करता है इलेक्ट्रोड को ऑप्शन बी हेलियम इज फिलिंग द ब्लैंक्स टाइम्स लाइटर दैन एरगॉन हेलियम ये गैस कितना टाइम एरगॉन से हल्का है ऑप्शन ये सिक्स ऑप्शन बी एट ऑप्शन सी टेन ऑप्शन डी ट्वेल्व ये एरगॉन से दस टाइम हल्का है हेलियम ऑप्शन सी टेन फार प्लेन कार्बन स्टील इज हीटेड फ्रॉम हंड्रेड टू तो थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड प्लेन कार्बन स्टील को गर्म किया जाता है सौ से तीन सौ डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे क्या बोलते हैं ऑप्शन ए स्ट्रेस रिलीविंग ऑप्शन बी एनीलिंग ऑप्शन सी पोस्ट हीटिंग ऑप्शन डी नॉर्मलाइजिंग तो ये प्लेन कार्बन स्टील को 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है उसे पोस्ट हीटिंग कहलाया जाता है ऑप्शन सी पोस्ट हीटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी परसेंट ड्यूटी साइकिल पावर सोर्स इज ऑलवेज रिकमेंडेड इन ये सी डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में कितना परसेंट ड्यूटी साइकिल ये पावर सोर्स का होना चाहिए तो ऑप्शन ए साठ परसेंट ऑप्शन बी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन सी एट्टी परसेंट ऑप्शन डी हंड्रेड परसेंट तो ये पावर सोर्स है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में ए सी डब्ल्यू प्रोसेस में ये हंड्रेड परसेंट ड्यूटी साइकिल होना चाहिए तो ऑप्शन डी हंड्रेड परसेंट ऑप्शन डी हंड्रेड परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट रेंज टू वेल्ड विथ टू पॉइंट फोर एम एम डायमीटर वायर इन ए सी डब्ल्यू वेल्डिंग में टू पॉइंट फोर एम एम व्यास का वायर जो रहेगा उसके लिए उससे हमें वेल्डिंग करना है तब करंट रेंज क्या रखना चाहिए तो करंट रेंज ये क्या होना चाहिए ऑप्शन ये टू थर्टी टू सेवन हंड्रेड एमपियर ऑप्शन बी थ्री हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड एमपीयर ऑप्शन सी फोर एटी टू इलेवन हंड्रेड एम ऑप्शन डी सेवन हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड एमपीयर तो इसमें दो पॉइंट चार एम एम का वायर है तब दो सौ तीस से सेवन हंड्रेड एम का करंट रखना चाहिए ए सी डब्ल्यू में ऑप्शन ये द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन थर्मीट वेल्डिंग थर्मीट वेल्डिंग में जो रिएक्शन होती है वो किस प्रकार की रिएक्शन होती है ऑप्शन ए एक्जोथर्मिक ऑप्शन बी एंडोथर्मिक ऑप्शन सी कम्बशन ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन तो ये एक्जोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है थर्मिट वेल्डिंग में एक्जोथर्मिक ऑप्शन ए द स्लैग विच इज फार्म इन थर्मिट वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग में जो स्लैग होता है वो किस प्रकार का होता है तो थर्मिट वेल्डिंग में ऑप्शन ये ये ऑप्शन बी ए टू ओ थ्री ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑप्शन डी ए ये एल टू ओ थ्री तो ये एलुमिनियम ऑक्साइड प्रकार की स्लैग रहती है मतलब ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी ए एल टू ओ थ्री ऑप्शन डी ए एल टू ओ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफिक्टज बाय हाई करंट इन टेग वेल्डिंग टीग वेल्डिंग प्रोसेस में हाई करंट रहा तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा उसका कारण क्या रहेगा हा? मतलब हाई करंट रहा तो किस प्रकार का दोष होगा ऑप्शन ये क्रैक ऑप्शन बी पोरेसिटी ऑप्शन सी अंडरकट ऑप्शन डी लैक ऑफ तो अंडरकुट आएगा ऑप्शन सी द गैस नोजल ऑफ टार्च यूज फार द गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज मेडअप ऑफ टंगस्टन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में मतलब जी टी ए डब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में गैस नोजल जो रहेगा किस मटेरियल का रहेगा ऑप्शन ये प्लास्टिक ऑप्शन बी कापर ऑप्शन सी ग्लास ऑप्शन डी सिरेमिक गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर बहुत ही होता है तो ये गैस नोजल सिरेमिक मटेरियल का बनाया जाता है ऑप्शन डी सिरेमिक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द कलर कोड ऑफ हीलियम गैस सिलेंडर हीलियम गैस सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है ऑप्शन ए ब्लैक ऑप्शन बी मरून ऑप्शन सी ब्राउन ऑप्शन डी ग्रे तो ये हीलियम गैस सिलेंडर ब्राउन कलर का कलर कोड होता है ऑप्शन सी ब्राउन स्टेट द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा आर्क स्प्रिंग प्रोसेस प्लाज्मा आर्क स्प्रिंग प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है ऑप्शन ए 16000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी 18000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी बीस हजार डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन डी बाईस हजार डिग्री सेंटीग्रेड तो प्लाज्मा आर्क स्प्रिंग प्रोसेस में टेम्परेचर ये बहुत ही ज़्यादा लेकिन बीस हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऑप्शन सी बीस हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड, ये आर स्प्रिंग का टेम्परेचर होता है इन स्पॉट वेल्डिंग द साइज ऑफ नगेट इज कंट्रोल्ड बाय स्पॉट वेल्डिंग में नगेट का साइज कौन कंट्रोल करता है ऑप्शन ये टाइम ऑप्शन बी करंट ऑप्शन सी प्रेशर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड कांटेक्ट एरिया तो ये स्पॉट वेल्डिंग में नगेट साइज जो रहेगा वो नगेट साइज ये कंट्रोल करता है करंट ऑप्शन बी करंट करंट हम कम ज्यादा करें तो नगेट साइज भी चेंज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल्स आर नॉट पॉसिबल टू वेल्ड बाय प्रोजेक्शन वेल्डिंग प्रोजेक्शन वेल्डिंग में किस मटेरियल को पॉसिबल नहीं है वेल्ड करना ऑप्शन ए माइल स्टील ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील ऑप्शन सी ब्रास एंड कॉपर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में ब्रास और कॉपर को वेल्डिंग करना पॉसिबल नहीं है ऑप्शन सी ब्रास एंड कॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग बाय हार्ड गैस वेल्डिंग प्लास्टिक वेल्डिंग में हार्ड गैस से वेल्डिंग की जाती है उसमें टेम्परेचर रेंज क्या होगी ऑप्शन ए 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी 260 टू 370 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन डी 300 टू uh, 400 डिग्री सेंटीग्रेड प्लास्टिक वेल्डिंग में हार्ड गैस से वेल्डिंग की जाती है उसमें टेम्परेचर रेंज टू टू थ्री सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड होती है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपॉन्डेड फॉर्म ऑफ पी क्यू आर तो पी क्यू आर का विस्तारित रूप क्या होता है ऑप्शन ए प्लान क्वालिटी रिकॉर्ड ऑप्शन बी प्रोसेस क्वालिटी रिस्पांस। ऑप्शन सी प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ऑप्शन डी प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रीड तो पी क्यूआ कार का मतलब प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होता है ऑप्शन सी विच नोजल इज सुटेबल टू वेल्ड थ्री एम एम यम एस स्टील तीन एम 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 एस स्टील के वेल्डिंग के लिए कौन सी नोजल साइज होना चाहिए ऑप्शन ए फाइव ऑप्शन बी सिक्स ऑप्शन सी सेवन ऑप्शन डी नाइन तो तीन एम 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 एस सीट के लिए सात नंबर की नोजल होना चाहिए ऑप्शन सी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड तो जो कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सिंबल सूत्र क्या होना चाहिए ऑप्शन ए सी ए सी टू ऑप्शन बी सी जेड एच जेड ऑप्शन सी सी ओ टू ऑप्शन डी सी एच तो कैल्शियम कार्बाइड सी ए सी टू होना चाहिए ऑप्शन ये इस प्रकार से सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही के क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इस प्रकार का ये पैटर्न रहता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर सही आंसर लिखते समय हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना चाहिए तो अच्छे से रीड करके क्वेश्चन का अर्थ समझ के उसका सही आंसर आपने देना है तो हमने कोशिश की ये अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा जिसमें सीबीटी पेपर होता है वेल्डिंग के थर्टी टू क्वेश्चन आते हैं और छः क्वेश्चन ये ड्राइंग के ऊपर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर और छः क्वेश्चन ये आते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर तो आप और तैयारी कीजिए और इसका सही आंसर क्लिक कीजिए तो अभी तक आपने राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए धन्यवाद